कहा कि 100 सीटों पर हम लोग तैयारी करें लड़ने की। मुख्तार साहब को बिहार को टिकट देंगे या क्या टिकट मिलेगा उनको? नहीं मालूम, अभी तो नहीं मालूम, उस बारे में तो नहीं मालूम। हाँ, हमने ये कहा कि अगर उनको टिकट हम देने तैयार हैं, अब उनसे बातचीत नहीं हुई हमारी। बाहुबलियों को आपकी पार्टी जगह दे रही है, ऐसा आरोप लगेगा आपसे? प्रज्ञा ठाकुर दूध की दुली भी है, है? है, आए, आए, क्या बात है, है? 37% एमएलए बीजेपी के, इनके क्रिमिनल चार्जेस हैं यूपी में। जेडीयू जितने एमपी है कितनों पर केस है बताइए, सब क्या है, सब क्या है, लोकप्रिय नेता है पूरे ये। आप भी उसी धारा में चलेंगे ना? अरे अरे, जब आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए ना, है? हाँ बोल, दाग आपको हमारे नजर आते ना, दूसरों के दाग आपको दूध की तरह नजर नहीं आते, आपको तो आपको दिखता है कि वो जख्म है, नजर आते हैं। ओवैसी साहब, अभी आपने कहा फ्रीडम फाइटर नहीं, आपको आपको प्रज्ञा आपको फ्रीडम फाइटर नजर आती होगी ना? नहीं नहीं, आपको नजर आती होगी नहीं, ये सब ये गलत बात है। उनके ऊपर चार्जेस हैं, कोर्ट ने प्रूव नहीं किया उसको, और इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत देता लड़ने की। अगर आप फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फिर चलिए सबकी बात करिए, कौन रोक रहा है आपको? अतीक अहमद फ्रीडम फाइटर है, अतीक अहमद के शहरी हैं और लीगली वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनपे क्रिमिनल केसेस हैं और अभी तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, क्यों बात है? आप लड़ा रहे हैं? बिल्कुल लड़ाएंगे। मुख्तार भी आ रहे हैं? नहीं, वो बात अभी नहीं, जब होंगी बताएंगे आपको।